हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में चैप्टर नंबर 4 टिक 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 इस चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम टिक 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 क्यों रखा गया होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो आपका किताब का बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ समय दर्शाने वाले चित्र दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये रही हाथ की जो घड़ाई, जो कलाई घड़ी होती है वो। फिर यहाँ पर एक आपको अलार्म क्लॉक दिया गया है, बराबर। फिर यहाँ पर आपको देखो दीवार घड़ी दी गई है, बराबर। ऐसे सब समय दर्शाने वाले जो चित्र हैं यहाँ पर हमें दिए गए, ठीक है। तो ये सब चित्र हमें क्यों दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए कि अभी आप देखते हैं कि अभी आपको समय देखना होता है तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर सब कलाई घड़ी का, ठीक है। कलाई घड़ी जो होती है उसको हम वॉच कहते हैं इंग्लिश में, और जो दीवार पे जो लगाई जाती है उसको हम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यही क्लॉक और वॉच का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा तो मोबाइल सबके पास होता ही है तो हम उसमें देख लेते हैं समय। लेकिन आज से बहुत साल पहले जब इस तरीके की घड़ी नहीं थी हमारे पास, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब समय के लोग जो थे वो किसका इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले समय देखने के लिए सब लोग सूर्य का इस्तेमाल करते थे। सूर्य सबसे पहले आसमान में उगता, सूर्योदय होता तो सब पूरी दुनिया जाग जाती, ठीक है। तो फिर जैसे कि सूर्य जो है वो हमारे सिर पे आता, यानी कि दोपहर का समय उसको कहलाया जाता था, और शाम को जब वो अस्त होने लगता तो वो सूर्यास्त कहलाता। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल होता था मुर्गा का, ठीक है। जैसे ही सूर्य उगते तो वैसे मुर्गा बांग देता था, ठीक है। तो उस तरीके के, तो उसकी आवाज़ को भी सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाते और अपने अपने काम पे लग जाते थे। ऐसे बहुत सारे पंछी की भी आवाज़ सुनकर सब लोग उसका इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। फिर धीरे 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 समय जैसे बदलता गया, उसके बाद जो है रेत घड़ी आई, ठीक है। उसके अंदर कुछ, रेत घड़ी का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो शीशे होते हैं, देख लेते हैं, हम आपको इमेज दिखाते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये कहते हैं रेत घड़ी, बराबर। जिसमें ये जो ऊपर का हिस्सा है उसके अंदर एक घंटे जितने पास हो सके उतनी रेत रखी जाती है, फिर वो रेत धीरे 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 यहाँ पर नीचे आती है। अगर ये रेत पूरी ख़त्म हो जाती तो उसको वापस से पलट देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए आप, ये चेन घड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सूर्य प्रकाश के द्वारा, यानी कि इसका मापन जो है हम दिन को सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सूर्य की रोशनी से जो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो कांटा रखा गया है उसकी क्या है, यहाँ पर परछाई गिर रही। तो सूर्य जिस जिस दिशा में वो आगे जाएगा, वो कांटे की जो परछाई है उसकी विपरीत दिशा में आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके अनुसार भी समय देखा जाता था, ठीक है। और आज तो आपको पता ही है कि हम मोबाइल फोन, फिर हाथ घड़ी, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए, तो यही है, इस चैप्टर का नाम है टिक टिक टिक। तो हम इस चैप्टर में समय देखना सीखने वाले हैं। आपको सीखना है ना कि समय कि अभी समय कितना हो रहा है, कितने बज रहे हैं, कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, कितनी सेकंड हो रही है, वो सब हमें ध्यान में रखना है। चलिए, तो उसके लिए आपको कुछ मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जब हमारा जो ये, जैसे कि ये घड़ी है, ठीक है, जो घड़ी होती है उसके अंदर हमारे पास तीन कांटे होते हैं। एक जो होता है वो सबसे मोटा होता है, उसको हम कहते हैं वो घंटे दर्शाता है, ठीक है। और फिर उससे थोड़ा सा पतला और लंबा होता है तो वो हो जाता है हमारा मिनट दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मिनट, ठीक है। और सबसे पतला और बहुत तेज़ी से चलता है तो वो तीसरा जो होता है वो सेकंड कांटा हो जाता है, ठीक है, वो सेकंड दर्शाता है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं, जो चैप्टर है, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे प्रश्न का हल ढूंढेंगे। चलिए, तो है यहाँ पर पंपोश और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। वो दोनों बच्चे बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से किसका घर ज़्यादा दूर है।
चलिए तो देखते हैं। वहां पर वो कह रहे हैं कि मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। फिर वो दूसरा क्या कह रहा है, साजिया क्या कह रही है कि मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। एक को है 5 मिनट और दूसरे को है 2 मिनट। तब आप बताइए, ऐसा हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा घर स्कूल से ज्यादा दूर हो। पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। तो देखिए 7 बजे हैं, यहाँ घड़ी में दिखाया गया है। ये जो देखिए छोटा कांटा जो है वो 7 पर है और जो हमारा मिनट कांटा है वो 12 पर है, ठीक है। तो ये हुए पूरे 7। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है, ठीक है। मतलब कि क्या, जो 7 पर तो है वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन ये जो 12 पर है वो वहाँ की जो सुई है वो कहाँ पर आ जाती, घूम कर 2 पर आ जाती है। तो इसका मतलब हुआ 7:02 या 7:02, ऐसा होगा, ये यही पूछ रही। इसलिए वो ऐसे बताती है कि मैं 2 मिनट में 7 जो है स्कूल पहुंच जाती हूँ। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो वो समझाता है उसको, कौन, तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। तो पूछती है कैसे, क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? हाँ, तो क्या, वो दिखाता है 12 से 2 बजे तक यहाँ 10 रेखाएं हैं। तो आप भी देखिए, हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पर आप भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको चलिए तो घड़ी में देखिए, यहाँ 12 से लेकर 2 पर आने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर छोटे छोटे सुइयां दी गई है, ठीक है। चलिए अब ये रेखाएं की रेखाएं देखेंगे आप, तो आप देखिए 12 से 1 के बीच में ये 1, 2, 3, 4 ये 5 बार यहाँ पर हुए 5 मिनट। फिर यहाँ पर आगे 6, 7, 8, 9 और ये 10 यहाँ पर हुई 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 का पहाड़ा याद करते हुए जाना है। ये 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 यहाँ पे 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50, 11 × 5 क्या हो जाएंगे यहाँ पर 55, और ये 12 पर आकर 60 मिनट हमारे पूरे हो जाते हैं। 60 मिनट जैसे ही हमारे पूरे होंगे तो ये हो जाएगा पूरा 1 घंटा, ठीक है। आया समझ में बच्चों? यहाँ पर वही समझा रहा है यहाँ पर कि जैसे कि वो 12 पर जब होता है तब वो घर से निकलती है, यानी कि एग्जैक्ट 7 बजे, और वो जब स्कूल पहुंचती है तो 7:02 काटा आ जाता है, यानी कि 10 मिनट हो जाती है वहाँ। तब उसको आगे समझाता है, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ, मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। देखो मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है, देख रहे हो आप सब, ये 5वीं रेखा पर है, यहाँ पर वो 5 मिनट पर पहुंच जाता है। तो आपको समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए, यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी से में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको घड़ी का चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर चीकू, बिट्टू और पिंकी है। तो आपको देखना है कि किसने जवाब सही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन थोड़ी बड़ी करते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो है जिसका पॉइंट बड़ा है वो क्या दर्शा रहा है, घंटा दर्शाता है, ठीक है, और जो पतला है वो मिनट दर्शाता है। तो चलिए देखो, चीकू ने बताया है यहाँ पर 12 बज रहे, तो चीकू क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए बिट्टू जो है वो 12:15 दर्शा रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए पिंकी बता रही है कि 3 बज रहे हैं, तो देखिए 12 पे है हमारा मिनट जो कांटा है,
तो वो है पिंकी ने सही बताया है 3 बजे। फिर देखिए यहाँ पर है दूसरी जो घड़ी है उसका जो घंटे का जो कांटा है वह 5 और 6 के बीच में है और मिनट का जो कांटा है 7 पे है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 बजकर 7 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर देखिए चीकू ने 25 बताया तो ये गलत है, बिट्टू ने 5 बज के 7 बताया तो वो भी गलत है, यहाँ पर देखिए पिंकी ने 5 बजकर 35 बताया तो 35 सही है। फिर आगे देखिए यहाँ पर इस घड़ी में बड़ा कांटा जो है यानी कि जो घंटे वाला जो कांटा है वो किस पे है 7 पर है, ठीक है तो 7 तो बजे ही हैं। उसके बाद देखिए मिनट कांटा 3 पर है यानी कि इसमें हो रहे हैं 15 मिनट, तो 7 बजकर 15 मिनट, तो चीकू बताया था 3 बजकर 35 जो गलत है, 7 बज के 3 मिनट ये भी गलत है और पिंकी कहती है कि 7 बज के 15 मिनट, तो पिंकी ने सारे जवाब क्या किए हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। अब आपको यहाँ पर समय घड़ी में बनाना है, जैसे कि यहाँ पर हो रहे हैं 3 बज के 10, हम क्या करेंगे यहाँ 3 पे छोटा कांटा बनाएंगे, ठीक है जो घंटा दर्शाता है, ठीक है भी 10 हो रहा है तो 3 बज के 10 तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए 6 बजकर 40 मिनट हो रही है, ठीक है तो 6 बज के 40 मिनट होगी यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है 6 और 7 के बीच में हमें छोटा कांटा दर्शाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है 40 हो रहे हैं तो 40 कहाँ पर होंगे 8 पे 40 हो जाएगा। चलिए फिर उसकी तरीके 4 बज के 45, 30 से अगर ऊपर मिनट होती है हमारी तो हमें क्या करना है 2 अंकों के बीच में हमें दर्शाना होता है। चलिए तो हम यहाँ पर दर्शाएंगे 4 और 5 के बीच, तो यहाँ पर है ये 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 5, इसके बीच में हम दर्शाएंगे 1 बज के 45 मिनट, तो ये हुए यहाँ पर 8 पे 7 पे होते हैं 35 40 और यहाँ पर 45 9 पे 45 होते हैं, ठीक है इस तरीके से हमें घड़ी दर्शानी है। चलिए आगे है 2 बजकर 20 मिनट, तो 2 पे कांटा है, थोड़ा सा हम इसको इधर ले आएंगे, ठीक है मिनट जिस तरीके से जल्दी जल्दी चलती तो जो घंटे वाला जो कांटा है ठीक है तो वो थोड़ा सा धीरे चलेगा, तो ये 20 पे आ जाएंगे यहाँ पर। चलिए फिर 3 बज के 15 मिनट, तो ये रहे 3 बज के, ये छोटा कांटा भी यहीं पे आएगा और 15 मिनट भी इसी पे बजेगी, तो हम यहाँ पर दोनों कांटे उसी पे लाएंगे। चलिए फिर है 7 बज के 35 मिनट, तो 7 यहाँ पर बजेंगे, ठीक है 35 मिनट हो रही है और 30 से ऊपर है तो हम कांटा थोड़ा बीच में दर्शाएंगे 7 और 8 के बीच में और 35 भी वहीं पे बजेंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको घड़ी दर्शानी है। क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है, सभी को देखना अच्छा लगता है, यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। तो देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं हमें, तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है, तो ये तो हमें देखना पड़ता है, सूरज हमेशा यहाँ पर 6 बजे निकल जाता है, ठीक है अगर हमारे आसपास हम देखते हैं तो 6 बजे सूर्य निकल जाता है। सूर्यास्त किस समय होता है, सूर्यास्त भी लगभग 6 बजे ही होता है, ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 6। क्या हर दिन सूर्योदय सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है, नहीं, ठीक है क्योंकि ऐसा कहा कहते हैं कि जो ठंड का मौसम होता है, ठीक है जहाँ ठंड होती है तब जो है सूर्य जल्दी देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है यानी कि दिन छोटा होता है, और रात में क्या होता है कि रात जल्दी हो जाती है और देर तक रहती है, ठीक है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सूर्यास्त और सूर्योदय रोज अलग अलग होता है। अब देखिए अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। अगर आपके घर घर पे अखबार आता है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में यह पार्ट आगे देखेंगे। धन्यवाद।